कितनी चीज़ें ऐसी हैं आपकी बॉडी के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, जो आप खुद करते हो। जैसे ये मैंने खुद किया, ये हाथ खुद किया, कब किया? अभी किया, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ये मैं खुद नहीं कर रहा था, ये हो रहा था। आपसे बात करते करते मेरा ध्यान इन हाथों की तरफ गया और मैंने ऐसे किया। इससे पहले क्या मेरा ध्यान हाथों की तरफ था या जो मैं बोल रहा था उसकी तरफ था? समझ गए, मेरा ध्यान यहां पर नहीं था, ये तो अपने आप हो रहा था। ये कहां से हो रहा था? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कहां से हो रहा है? कॉन्शियस माइंड। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? Yes, हाँ। पलकें झपकती हैं? Yes, कितनी देर से झपक रही हैं? जब से आए हो तब से झपक रही है। अभी ध्यान दो, देखा कितने अच्छे से झपक। कॉन्शियसली आप जो नेचुरल मूवमेंट है पलक के झपकने की, उसको चेंज भी कर सकते हो, टिक 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 भी कर सकते हो, नहीं भी झपका सकते हो। वो नहीं होता कॉम्पिटिशन होता है, इधर आप बैठे हो इधर वो बैठी है, तो देखे चले जा रहे हैं, आंखों से पानी गिर रहा है लेकिन देखे चले जा रहे हैं, और फिर उसको जिताने के लिए हम अपनी पलक झपका देते हैं कॉन्शियसली। डाइजेशन आप कॉन्शियसली करते हो, खुद अपना ध्यान अंदर लेकर के जाते हो मेडिटेशन में बैठ के, ये मैंने खाया बर्गर और ये मैंने पी पेप्सी, अब इन दोनों को मिक्स किया, मिलाया और इसको मैंने पचाया और निका, हाँ तो 99.99% जो भी कुछ हो रहा है आपकी बॉडी के लेवल पे, वो सब किस लेवल पे हो रहा है? सबकॉन्शियस। अभी एट दिस मोमेंट कितनी प्रोसेसेस चल रही है आपकी बॉडी में, कितना कुछ हो रहा है आपके ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे एक एक्सचेंज चल रहा है, हवा का एक्सचेंज हो रहा है, पानी का एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है। इस यूनिवर्स के साथ में एक कम्युनिकेशन चल रहा है आपकी बॉडी का और जो भी कुछ आसपास पे है उसका, और ये सब अपने आप हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? आप कॉन्शियसली एक काम करना चाहते हो बट सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा है, ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे वो काम करते हो तो इरिटेशन होती है। अब अगर यही काम जिंदगी भर करते रहे तो यहां पे सक्सेस मिलेगी क्या? बट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो कॉन्शियसली जिसको करते ही एट अ सबकॉन्शियस लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उसके पूरा होने के बारे में आप सोचते हो तब क्या हो रहा है, और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो क्या हो रहा है? दोनों में फर्क है या नहीं है? तो हमारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है, ध्यान से समझो। हम बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें कैसी फीलिंग हो रही है? अगर उसको आप कंट्रोल कर सको, उसको आप चेंज कर सको तो आप जीत गए। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी नया करोगे तो सबकॉन्शियस लेवल पे क्या होता है, कंफर्टेबल लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है? मतलब जैसे ही कुछ नया करोगे, गिटार बजाना सीखोगे, क्या होगा? हाथ में मजा आएगा, दर्द होएगा? हाँ, लेकिन आप क्यों बजा रहे हो गिटार? अरे बजा कर स्ट्रट बन जाऊंगा, ये दिस इज व्हाट यू वांट, ये आपकी सोच है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे आपने बजाना शुरू किया, ये तो बड़ा बोरिंग है, 10 दिन हो गए कुछ होता रहा नहीं है, तो आपको बुरा फील हो रहा है। इसी वजह से 90% से ज्यादा लोग एक काम को करना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर। 90% से ज्यादा लोग सिर्फ हार्डली 10-15% आगे बढ़ते हैं कुछ भी नया करने में। तो करना क्या है, अगर उस टाइम पे आपको फिजिकली दर्द हो रहा है लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपका साथ दे, एफर्टलेसली, नॉट विद लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट विद लॉट ऑफ विल पावर, क्योंकि विल पावर बहुत बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस के आगे हार जाती है। एग्जाम्पल देखना है कैसे, देखो आपकी विल पावर है कि अगले 1 मिनट तक आपको सांस नहीं लेनी है, करो कंट्रोल, देखो आपका सबकॉन्शियस जीतता है या कॉन्शियस जीतता है। कितने जिन्होंने अभी तक नहीं ली, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? चैलेंज क्या है कि अगर तो कोई आप काम कर रहे हो जिसको करने में आपको अच्छा फील हो रहा है अभी,
इमीडिएटली, और वो आपके जो भी आपके थॉट्स हैं उससे भी कनेक्ट हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब क्या करें? जैसे गिटार का एग्जांपल है, आपका सबकॉन्शियस आपको करने नहीं दे रहा है, बॉडी में भी दर्द हो रहा है, अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं, मन कर रहा है छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना, कुछ नहीं पड़ा है। एक तरफ से कॉन्शियसली आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं अब तो मैंने पैसे भी दे दिए हैं, तो एक तरफ से एक लड़ाई चल रही है, छोड़ो 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 छोड़ो, एक तरफ से नहीं 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 छोड़ना, छोड़ो 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 नहीं छोड़ना। इसमें ज़्यादा पावरफुल क्या है? छोड़ो 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 छोड़ो, बिकॉज उसमें क्या है, आपकी पूरी बॉडी, ब्रेन, केमिकल्स, वो सब इन्वॉल्व है। और जो कह रहा है नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो, वो क्या है, सिर्फ बातें ही है, आपकी बॉडी आपका साथ थोड़ी दे रही है। अब क्या करें? सर जो ऑब्जेक्टिव ज्यादा बड़ा सेट नहीं करना चाहिए। गुड पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली है। ऑब्जेक्टिव्स कभी भी बहुत बड़े मत सेट करो, यानी आपने जाकर के उनसे पूछा जो आपको सिखा रहे हैं कि इसमें एक साल बाद क्या होगा, उसको छोड़ दो, आप ये बताओ कि अगले एक हफ्ते बाद मैं किस लेवल पे होऊंगा। सबसे सिंपल धुन कौन सी होती है इसको बजाने में? वो कहेंगे ये होती, ये सीखनी है। तो आपने वो सीख ली एक हफ्ते में, एक हफ्ते में जा करके कहीं थोड़ा स्टाइल मारा वहीं पे, कहीं कहीं रेड लाइट पे या कहीं किसी बस स्टैंड पे, अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा दे दर बाबा दे दर बाबा, और लोग खुश हो गए, लोगों ने आपके ऊपर सिक्कों की बौछार कर दी, कितना अच्छा मांगता है, कितना क्यूट भिखारी है। अब आपको गिटार बजाने में मजा आने लग गया है, अब आपको उसके अगले लेवल पे भी जाने में मजा आएगा। वीडियो गेम में ऐसे नहीं होता है। आपका गोल क्या होता है कि अगर उसमें मान लो 50 लेवल्स हैं, तो मुझे आज ही 50वां लेवल क्रॉस करना है? आज होता है आपने थोड़ा सा ट्राई किया, आपको पता लगा आपकी असली औकात क्या है, है ना, कि पहला राउंड नहीं हो रहा है, तो आपने गोल क्या बनाया, पहला राउंड, अभी मेरे को और कुछ नहीं पता, पहला राउंड तो करूं, फिर उसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है। कॉन्शियसली आपको बस यहीं तक तो करना है। जब पहला राउंड आप कर लोगे तो फिर क्या होगा, करके मजा आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, तो फिर अब आपको कॉन्शियस को बीच में लाने की जरूरत है। सबकॉन्शियस अपने आप ही अंदर से वापस से क्रेव करेगा उस फीलिंग के लिए। अब वो फीलिंग कैसे मिलेगी, बार बार आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करते रहो, वो फीलिंग मिलेगी क्या? कब मिलेगी वो फीलिंग? सेकंड राउंड को क्लियर करके, सेकंड को कर लिया, बार 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 आप सेकंड राउंड को करते रहोगे, वो फीलिंग मिलेगी नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पे जाना पड़ेगा, फोर्थ पे जाना पड़ेगा। यानी आपको गिटार बजाने में मजा आ रहा है, आप छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा गोल सेट नहीं है, और बजाने में आपको मजा आने लग गया, आपको सीखने में मजा आने लग गया, आपको ये हो गया कि अच्छा मैं एक हफ्ते में यहां पर गया हूं, अगले हफ्ते में मैं कहां पहुंच सकता हूं, वहां पहुंच गए, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। और ऐसे बंदे जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि उनको मजा इसमें नहीं आ रहा है कि जो उनको मिल रहा है, उनका डर ये नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, उनको मजा किसमें आ रहा है, जो कर रहे हैं उसमें आ रहा है। इनको कैसे रोकोगे? क्योंकि ऐसे बंदों को रोकने का मतलब सिर्फ उनको रोकना नहीं, उनके सबकॉन्शियस को रोकना। जिसने भी कुछ भी बड़ा किया है किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है, ये दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, यानी जो वो सोच रहा है और जो वो फील कर रहा है वो मिल चुका है, उसकी फीलिंग्स और उसके थॉट्स मिल गए हैं, दोनों में फर्क खत्म हो गया है। तो अगर इस फर्क को आप खत्म कर पाओ, ये जो बात मैंने कही और इसकी डेप देख पाओ, यानी थॉट्स और फीलिंग्स पूरी तरह से अलाइंड हो जाए, साथ मिल करके काम करें, तो फिर अब आपको कोई एफर्ट करने की किसी भी तरह की जरूरत ही नहीं है। यू विल बी एब्सोल्यूटली एट ईज, यानी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आगे लाइफ में बढ़ते चले जाओगे। आप में से कितने हैं जो डेली मोबाइल यूज करते हैं दिन में 2 से 3 घंटा? सभी करते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट। तो क्या इसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको आप एस्टिमेट कर पा रहे हो, लगा पा रहे हो आइडिया कि क्या होगा आपके साथ में आने वाले 3 साल बाद 5 साल बाद 6 साल बाद? डेली अगर दिन का आप 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज करते रहे, तो अगले 5 साल बाद आपकी बॉडी की हालत कैसी होगी, क्या इसका आप एस्टिमेट लगा पा रहे हो, क्या इस फ्यूचर को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। आपको क्या लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकली देखें अभी फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, एक बार खड़े हो जाओ सारे के सारे, मैं कुछ करूंगा, उल्टे हो जाओ, उस तरफ मुंह कर लो,
नहीं फिर देखोगे कैसे, एक मिनट रुक जाओ मैं कुछ करूंगा फिर आपको भी उल्टे हो जाना है, फिर ये करना है, ठीक है, आई डू समथिंग, ये करना है आपको और इसको एक मिनट तक रोक करके रखना है, करो, लॉक करो पीछे से, हाँ उल्टे हो जाओ, दिखाओ मुझे, रोक के रखना है एक मिनट तक, नहीं नहीं लॉक करो, पूरा लॉक करो एक मिनट तक, खुल रहे हैं ना पत्ते एक एक करके, फ्रंट में फेस कर लो, कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है, हाँ प्लीज हैव अ सीट, इसका मतलब क्या है, मसल स्टिफ हो गई है, ये मसल स्टिफ होने की वजह से क्या होता है ये पता है आप लोगों को, मैं बताऊं प्रैक्टिकली क्या होता है, किसी भी डॉक्टर से जाकर के वेरीफाई कर लेना, जब ये सब मसल स्टिफ हो जाते हैं ना नेक की ये वाली, तो एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती हमारी ब्रेन में, उसकी वजह से पूरे दिन आलस आता रहता है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, मेरी वीडियोस देखते हो चार्ज्ड अप हो जाते हो लेकिन उसके बाद में जो करने के लिए एनर्जी चाहिए वो है ही नहीं, ब्रेन डल होती जा रही है, तो क्या इस प्रॉब्लम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसको करेक्टली एस्टिमेट करो तो आप क्या करोगे, नंबर वन प्रायोरिटी पर डाल दोगे अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर फिजिकली फिट हो तो ब्रेन ठीक से काम करेगी, तब आप सोच सकते हो, अब बिना सोचे क्या खाक फ्यूचर को प्लान करोगे, फ्यूचर को प्लान नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसा होगा, अपने आप ही कुछ बन के निकल के आ रहा होगा, जो अगर आपको पसंद नहीं भी है तो बेटा रहते रहो चुपचाप, यू कांट चेंज इट, यू मस्ट हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ एट एनी पॉइंट इन टाइम। तुम्हारे बाप की गाड़ी, तुम्हारे बाप की गाड़ी बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, बिल्कुल है तेरे बाप की गाड़ी गई, गंदी बात न करो, गंदी बात न करो, औरतें भी बैठी हैं, एक जूता कम नहीं मारा, एक जूता कम नहीं मारा, हट साला, कुत्ता साला, ये साला बिल्कुल, ये आ गया।